एक फिल्म है ओपनहाइमर, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। परमाणु बम का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक के अपराध बोध की कहानी आजकल ये बड़ी चर्चा में है। चर्चा हो भी क्यों ना, दुनिया की सबसे बड़ी खोज, बहादुरी, विनाश और फिर अपराध बोध से जुड़ी कहानी को 7 ऑस्कर जो मिले हैं। दुनिया में इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इसके पीछे भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं। वहीं दूसरी ओर गाजा और यूक्रेन के युद्ध तीसरे महायुद्ध का माहौल बना रहे हैं पूरे विश्व में। युद्ध और शांति के बीच खड़ी दुनिया का एक आध्यात्मिक परीक्षण आप अब मेरे साथ देखिए। इसकी शुरुआत में आप 4 तस्वीरें देखिए, मैं वहीं से इसका आगाज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के पोखरण में थे। पीएम मोदी ने पोखरण में 3 सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया और दुनिया को भी दिखाया। करीब 50 मिनट चले भारत शक्ति युद्धाभ्यास पर 30 से ज्यादा देशों की नजर थी कि भारत कर क्या रहा है वहां पर। कल भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भी किया और वो सफल रहा। एक मिसाइल से कई हमले करने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। तीसरी तस्वीर, भारत हथियार आयात में नंबर 1 बन गया है। इंपोर्ट करने में भारत ने सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो खरीदे हैं, चाहे वो अन्य हथियारों की बात हो या आसमान में मार करने वाले हथियारों की बात हो, वो रूस से खरीदे हैं। देश में हथियारों का जखीरा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सबसे बड़ा हथियार बनाने वाले वैज्ञानिक को किस बात का अपराध बोध था और विनाश के उस अपराध बोध को सम्मान मिलने का मतलब क्या है। यही तो भारत शक्ति है। फिल्म ओपनहाइमर में छिपे संदेश को पटियाल डिकोड करेगा, क्योंकि जंग के मैदान में खड़े देशों के लिए यह संदेश समझना बहुत जरूरी है। पहले आपको वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में बता देता हूं वो कौन थे। आज से करीब 79 साल पहले परमाणु बम के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने अपने हाथों से विनाश का सम्मान तैयार किया। जापान पर गिरा जो एटम बम था, जिससे पूरी दुनिया ने उसकी तबाही देखी, उसकी तपिश को महसूस किया, वो 1945 में एटम बम बनाने वाले हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिराया गया था उसको बनाने वाले वैज्ञानिक थे ओपनहाइमर। और ओपनहाइमर को इसका अपराध बोध हुआ। विनाश और अपराध बोध के परीक्षण से पहले आपको सुनाता हूं कि पीएम मोदी ने आज पोखरण में भारत की शक्ति को लेकर क्या क्या बातें कही। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक, हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, हजारों करोड़ के ही हथियार भी नष्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या पुतिन को अपराध बोध होगा? शायद नहीं। साइंटिस्ट ओपनहाइमर ने अपराध बोध जो हुआ था उनको, वो इसीलिए आज चर्चा में है क्योंकि जो अब विनाश कर रहे हैं इनको अपराध बोध क्यों नहीं होता। ओपनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। मैं ऑस्कर की बात कर रहा हूं। तो किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का दिया गया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का दिया गया, साथ ही बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसको दिया गया, ओरिजिनल स्कोर के अवार्ड से सम्मानित किया गया उनको, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के अवार्ड से, यानी
ओपनहाइमर को नवाजा गया इसके लिए। एक तरफ दुनिया के कई देश आज भी युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट ओपनहाइमर थे जिन्होंने एटम बम तो बना दिया लेकिन बाद में उन्हें इसका गिल्ट हुआ, अपराध बोध हुआ। रूस और यूक्रेन को देख लीजिए आप, दोनों तरफ जमकर खून खराबा हो रहा है लेकिन अपराध बोध किसी को नहीं। भारत चाहता है कि ये युद्ध रुके, दोनों देश शांति का रास्ता अपनाएं। दावा है कि भारत के कहने पर ही रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया था। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। कहते हैं शांति का रास्ता युद्ध से होकर जाता है और युद्ध घातक हथियारों से लड़ा जाता है। यही कारण है कि शांति का पक्षधर भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खड़े हैं। अब वो चाहे अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हो या फिर पोखरण में युद्धाभ्यास, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए हथियार कितने जरूरी हैं। भारत आज यूं ही हथियारों के आयात में नंबर 1 नहीं बना है, इसके पीछे भी यही वजह है। पिछले 5 सालों में अगर भारत ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं तो SIPRI यानी स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि साल 2014 से 2018 और 2019 से साल 2023 के बीच में भारत का हथियार का आयात 4.7% बढ़ा है। दुनिया में बिकने वाले हथियारों में 9.8% हथियार भारत आयात करता है और वो नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया है इंपोर्ट में। इस दौरान भारत ने रूस से सबसे ज्यादा 36% हथियार खरीदे हैं, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो भारत ने करीब 30% हथियार फ्रांस से भी खरीदे हैं जिसमें राफेल जेट भी शामिल है। हालांकि साल 1960 से 64 में सोवियत संघ के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब भारत के हथियार आयात करने में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम रही है। अब इसकी वजह क्या है? भारत हथियार तो आयात कर रहा है, इसीलिए दूसरे देश जमकर पैसा कमा रहे हैं। 2014 से 18 और 2019 से 2023 के बीच में फ्रांस का हथियार का निर्यात कितना बढ़ा? 47% तक बढ़ गया। लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस को नुकसान हुआ। भारत जो पहले बहुत ज्यादा आयात करता था उनसे, वो 50% वाला आंकड़ा पूरा नहीं हुआ। रूस का हथियार निर्यात 53% तक गिर गया क्योंकि वो यूक्रेन से उलझे हुए। भारत को भी युद्ध का खतरा है, दुश्मन ऐसे हैं आसपास, वो भी कई मोर्चों पर एक साथ डटा हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ साथ तनाव जो है वो कम हो ही नहीं रहा, उसको कम करने की कोशिश बार बार डिप्लोमेटिक स्तर पर होती है। खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने ये कहा कि चीन के साथ विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए उतनी जल्दी अच्छा है। चीन कहां मानने वाला है, उसको तो समझ ही नहीं आती, वो हमेशा तिलमिलाया रहता है भारत से। चलिए आपको चीन की एक और बौखलाहट का कारण बता देता हूं। आपको याद होगा 9 मार्च को पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई वाली एक सेला टनल का उद्घाटन किया था। सामरिक दृष्टि से टनल बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन चीन इस टनल के इनॉग्रेशन से चिड़ा हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है लेकिन कब्जाधारी चीन को ये रास नहीं आ रहा। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वान वेनबिक, उन्होंने क्या कहा? पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे का विरोध जताया उन्होंने, अरुणाचल को एक बार फिर चीन का हिस्सा भी बता दिया। चीन ने कहा भारत का कदम LAC पर तनाव बढ़ाने वाला है। दरअसल चीन की बौखलाहट का कारण भारत के रक्षा सौदे हैं, टनल तो केवल बहाना है। भारत डिफेंस पर खूब खर्च कर रहा है। साल 2023-24 के लिए भारत का रक्षा बजट कितना है आपको है आइडिया? 6,00,000 करोड़ से ज्यादा का है। साल 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल जेट्स का सौदा किया था, डील की थी। साल 2015 में अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ के 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे भारत ने, याद होगा आपको। 2015 में ही 14,000 करोड़ रुपए के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदे गए थे। अमेरिका के साथ 15,000 करोड़ के MH-60R हेलीकॉप्टर की डील भी भारत ने की है। इतना ही नहीं,
अमेरिका से 25,000 करोड़ रुपए के 31 ड्रोन भी भारत ने खरीदे हैं। 35,000 करोड़ रुपए में रूस से F-400 मिसाइल सिस्टम की डील भी चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस डील से बौखलाए हुए हैं। मल्टीफ्रंट पर खतरे को देखते हुए अब भारत के लिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि डिफेंस पर कितना खर्च, सुरक्षा के लिहाज से क्या भारत की ये मजबूरी है या उसके लिए जरूरी है? इसका जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता मदीहा ने भारतीय सेना के पूर्व कर्नल संजीव कुमार से बात की। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इंडिया का आज की तारीख में दो मेन दुश्मन है जो कि बेसिकली चाइना है और पाकिस्तान है। मल्टी फ्रंट अटैक करें इंडिया को ताकि उसको आप ओवरवेलम कर सके। इंडिया की जो प्राथमिकता है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी हमको आत्मनिर्भर होना है। और ये इसलिए प्रूव हुआ है कि अगर आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें, इसके अंदर भी जो इश्यूज फोर फ्रंट के ऊपर आ रही हैं वो ये हो रही हैं कि जब तक आप सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, आप हमेशा किसी के ऊपर और के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप खुल के लड़ नहीं सकते। आप अपनी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और अपने फंक्शनैलिटी के लिए आपको हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर होना है। एटम बॉम्ब के जनक वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब बनाने के बाद अपराध बोध हुआ था, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? क्या इसराइल और रूस जैसे देशों को भी कभी अपराध बोध होगा जो लड़े जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं? विनाश से बचने के लिए शांति का रास्ता कहां से निकलेगा? हथियारों के होड़ से दुनिया को क्या हासिल होगा? और क्या ओपेनहाइमर जैसी फिल्मों में भारत के लिए कोई संदेश छिपा है? ये सब जानने के लिए पटियाल ने वरिष्ठ फिल्म समीक्षक मीना अय्यर से बात की। आप सुनिए उनका क्या कहना है। बनी थी उसके ऊपर जिसने एटॉमिक बॉम्ब की खोज की, लेकिन मैसेजिंग इसका ये है कि वो खुद जिसने ये एटॉमिक बॉम्ब खोजा उसने कहा कि मुझे अपने आप पर गर्व नहीं है, क्योंकि दुनिया में अमन की ज़्यादा ज़रूरत है। माहौल ऐसा ही है, यूक्रेन रशिया, इसराइल पैलेस्टीन, चाइना जो हमेशा से ही ऐसे मैसेजेस देते आए, तो ऐसे माहौल में ओपेनहाइमर जैसी फिल्म ये कह रही है साइंस के प्रयोग करना चाहिए, विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मैसेजिंग उसका अमन की तरफ स्लांट होना चाहिए। पीएम मोदी आज सुबह गुजरात में थे। इस दौरान पीएम साबरमती के महात्मा गांधी के आश्रम में भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने कई बातें कही। आश्रम में पीएम ने एक पेड़ भी लगाया। ये भी वही वजह है जहां से शांति का रास्ता निकलता है, वही जगह है। पीएम ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब भी यहां आता हूं बापू की प्रेरणा अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूं। साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था, देश के जन मन को चेतनवंत बना दिया था। और जो आजादी के अनेक प्रवाह चल रहे थे उस प्रवाह को गति देने का काम कर दिया था। सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था उसमें बापू ने जन आंदोलन खड़ा करके एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। पटियाल के इस पूरे परीक्षण का मतलब साफ है, निचोड़ एक ही है। दुनिया में बन रहे वॉर फ्रंट से निपटने का रास्ता शांति ही है। इसीलिए मैं ये सारी कहानी आपको सुना रहा था, दिखा रहा था, और यही गांधी जी का भी रास्ता है। देश की सुरक्षा के लिए हथियार जरूरी हो गए हैं, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल इस तरह से भी ना हो कि ओपेनहाइमर की तरह बाद में अपराध बोध के साथ जीना पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।